आईपीएल 2023 को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आईपीएल का ऑक्शन तो अब सर पर आ चुका है। कुल मिलाकर अब आईपीएल को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल शुरू हो चुका है और इसके बीच में माहौल इसीलिए भी गर्म हो चुका है क्योंकि मुंबई इंडियंस ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। अब चूंकि बात आप जानते हैं कि मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजीज में से एक है और कप्तान रोहित शर्मा जिन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया है, ऐसे में मुंबई इंडियंस की दिल और धड़कन है रोहित शर्मा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा आईपीएल 2023 से मुंबई इंडियंस की कप्तानी नहीं करते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा से छीनने वाली है मुंबई इंडियंस की कप्तानी। इसके पीछे की क्या वजह है और किस युवा खिलाड़ी को आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी दी जाने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जी हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2023 को लेकर जो कि 2023 में मार्च अप्रैल के महीने में खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले 23 दिसंबर को, जी हाँ 23 दिसंबर को मिनी ऑक्शंस आयोजित किया जा रहा है जिसमें कप्तान रोहित शर्मा से एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। रोहित शर्मा आखिर कप्तानी क्यों नहीं करते हुए नजर आएंगे पहले इसके ऊपर आपको जवाब देते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे आखिर कौन सा नया खिलाड़ी आपको कप्तानी करता हुआ नजर आएगा। 23 दिसंबर से आईपीएल 2023 की मिनी नीलामी शुरू होने जा रही है। अगले सीजन के लिए बोर्ड ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही में सभी फ्रेंचाइजीज ने भी इसकी तैयारियां शुरू की है। सभी फ्रेंचाइजीज ने उन खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया जिन्हें उन्हें जरूरत नहीं थी। लेकिन इस बीच खबर सामने आई है कि मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा से उनकी कप्तानी छीनने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस को एक नया कप्तान मिल सकता है, एक युवा कप्तान मिलेगा और वो रोहित की अगुवाई में ही खेलेगा। पहले बता दें कि गौरतलब है कि रोहित शर्मा की कप्तानी की बोझ तले दबी हुई नजर आ रही है क्योंकि वो टीम इंडिया के अब तीनों ही फॉर्मेट में कप्तान हैं, साथ ही वो आईपीएल में मुंबई इंडियंस की भी कप्तानी कर रहे हैं। ऐसे में उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है जिसकी वजह से वो ठीक से बल्लेबाजी भी नहीं कर पा रहे हैं। भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुंबई ये फैसला कर सकती है। बता दें कि रोहित शर्मा ने आईपीएल में 227 मुकाबले खेले हैं जिनमें उन्होंने 222 पारियों में 130 की स्ट्राइक रेट से 5,879 रन बनाए हैं। लेकिन रोहित नहीं कप्तान तो कौन होगा नया कप्तान? हम आपको बता दें कि वो कप्तान कोई और नहीं बल्कि युवा बल्लेबाज ईशान किशन हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ऐसे में इसका इंतजार करना होगा। ईशान ने अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में दोहरा शतक भी जमाया था। लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें बहुत बड़ा ये कदम होगा जब रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करेंगे क्योंकि कप्तानी के प्रेशर में है वो। लेकिन क्या छोड़ेंगे आईपीएल की कप्तानी या छोड़ देनी चाहिए, आपकी क्या राय है इसके ऊपर, इसके बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा।